अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एसडीएम को दिया ज्ञापन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम ज्ञापन। ग्राम कड़माल खापरखेड़ा गेहेल गांव बाजरी खेड़ा में बस चालू और रोड निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरदार सरोवर बांध से प्रभावित लोगों ने सरकार से हमें इस बसावट में स्थापित किया गया, किंतु हमारे गांव ग्राम कड़माल खापरखेड़ा गेहेल गांव बाजरी खेड़ा गरीब मजलूम लोग और गरीब बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे गांव में बस चालू करवाने के लिए ग्रामीणों का निवेदन है, अन्यथा सभी ग्रामीण मिलकर धरना प्रदर्शन आंदोलन चक्का जाम करने पर हमें मजबूर ना कीजिए। आपकी विकास यात्रा हमारे गांव में लाइए, आपको पता चल जाएगा हमारे गांव कितना विकास हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार को विकास का ढिंढोरा पीट रही है। शहरी क्षेत्रों में जो विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन स्तर पर आकर आप देखिए, आपके अधिकारियों को भी पता चलेगा कि विकास की आवश्यकता। सरदार सरोवर स्थापित तो कर दिया, लेकिन हमें न मरने में न जीने में छोड़ा है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं मिल रही हैं। सरकार से हमारी मांग है कि हमें बेहतर से बेहतर सुविधा दें, अन्यथा 2023 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश सरकार को हम गरीबों के साथ भेदभाव का परिणाम 2023 विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। इस समस्या को लेकर आज ज्ञापन दिया। आज हम ग्राम खपरखेड़ा कड़माल बाजरी खेड़ा और गेलगांव वसाहटों के लिए जो बसों की समस्याएं हैं और जो एनवीडीए द्वारा रोड बनाए गए थे वो पूरे ही खराब होने की कगार पर आए हैं, तो हमने आज माननीय एसडीएम महोदय को आज ज्ञापन सौंपा है। उसमें रोड मरम्मत और बसें चालू करवाना दो मेन हमारे मुद्दे हैं, क्योंकि अभी 2017 में जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था तब से ही श्रीमान कलेक्टर महोदय ने जो हमारे पुराने गांव से बसें होकर जाती थी उनके लाइसेंस निरस्त करने की धमकी दी थी, तो उन बस मालिकों ने वो बस मेन हाईवे से घुमाना शुरू किया है। तो अब विस्थापन हो चुका है और अब मूल गांव से लोग आकर वसाहतों में रहने लगे हैं, पर आज मजदूरों की कई सारी समस्या हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाने की बहुत दिक्कत आती है, इसलिए हमने माननीय महोदय एसडीएम महोदय को ये दिया है ज्ञापन। तो उन्होंने आरटीओ ऑफिस में बात भी करी है, उन्होंने कहा है, हमें आश्वासन दिया भी है कि बहुत जल्द अब हम इस वसाहतों से बस चालू करेंगे और रोड मरम्मत के लिए भी उन्होंने अधिकारियों से बात करी।